सुन, तू मेरा शेर है ना? हाँ, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, शेरों को भी विश्राम करना ये आवश्यक होता है, इसलिए तू सो जाना हाँ, और मुझे भी सोने देना, ठीक है? ईश्वर, लगता है इसे लोरी सुनानी पड़ेगी, लोरी सुनाऊंगा, फिर तू सो जाना हाँ। लोरी पर निर्भर करता है क्या होगा। हाँ, सो जा सो जा सो जा भास्कर। आगे भी तो बोलो। सुना रहा हूँ, सुना रहा हूँ, लोरी सुना रहा हूँ। सो जा मुन्ना। शारदा, अम्मा, कहाँ हो? बाबू मुझे सुलाने ही रुला रहे हैं। अति सुंदर। हुचुकुचु। हाय, जितनी चाहिए उतनी प्रशंसा कर लेना। जा। अच्छा हुआ बापू सो गए, अन्यथा इनकी लोरी मेरे प्राण हर लेती। उठिए उठिए पंडित रामकृष्ण जी, उठिए। अरे अरे, क्या है ये? कोई समय है किसी सभ्य पुरुष को उठाने का? बड़ी भयंकर सूचना है, एक ही रात में ढेर सारे बच्चे चोरी हो गए विजयनगर से। महाराज ने आपको शीघ्र बुलाया है। बच्चे चोरी हुए हैं? अरे भास्कर, भास्कर, भास्कर! कुछ कीजिए, सहायता कीजिए। शांत हो जाइए और एक एक करके अपनी समस्या बताइए बताइए। हमारे बच्चे को कोई उठा ले गया है कोतवाल जी, कुछ कीजिए कोतवाल जी। हमारे बच्चे को बचा लो कोतवाल साहब। महाराज को कुछ बोलिए, वही कुछ कर सकते हैं। हाँ हाँ, देखिए देखिए, आप सबकी बातें महाराज तक पहुँच चुकी है और महाराज स्वयं घोर चिंता में है। मेरा बच्चा, मेरा भास्कर, मैं अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पाया। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अम्मा और शारदा को? वही जो प्रतिदिन दिखाते हैं, हमें तो आदत हो गई है, अब चिंता मत कीजिए। चिंता का विषय है अम्मा और शारदा, कैसे बोलूं, मुझे क्षमा कर दो। हमारा भास्कर,
कक्ष में है, शैया के नीचे। शैया के नीचे? धत्तेली की बेकाल में उठा दिया। ये यहाँ कैसे पहुँचा? हमने पहुँचाया जब तू घोड़े और गधे बेचकर सो रहा था। धन्यवाद बापू, सही समय पे निकाल लिया बाहर। मेरी तो श्वासें घुट रही थी वहाँ। इन दोनों महारथियों का बस चलता तो पूरी रात मुझे शैया के नीचे ही रखती। परंतु इसे शैया के नीचे तकिए की खोली में क्यों डाला? बच्चा चोर से छुपाने के लिए। आपसे तो इसका ध्यान रखा नहीं गया, खराटे मार के जो सो रहे थे। आपको तो ज्ञात भी नहीं है कि कैसे भजन संध्या में बच्चा चोर के बारे में ज्ञात होते ही हलचल मच गई थी। हम कैसे भाग कर गिरते पड़ते यहाँ तक पहुँचे और यहाँ कर क्या देखा? क्या देखा पंडित रामाकृष्ण जी? एक क्षण रुकिए, बताओ तो सही क्या देखा? कहीं बच्चा चोर को तो नहीं देखा? नहीं, हमने देखा कि आप सो रहे थे, भास्कर रो रहा था। अम्मा को तो पहले से संदेह हो गया था। पंडित रामाकृष्ण जी, ओहो कहाँ ना चुप रहिए। कैसा संदेह? बच्चा चोर के यहाँ होने का संदेह? नहीं, आपके काम चोर होने का संदेह। हमें नहीं, अम्मा को। ये भगवान, ना तुमने बच्चा चोर को यहाँ देखा, ना उसके यहाँ होने का संदेह हुआ, ना कोई चोर घर में घुसा, फिर भी बेचारे इस नन्हे से जीव को तकिए की खोली में डाल के शैया के नीचे डाल दिया। बच्चा चोर को मूर्ख बनाने के लिए। क्या? हाँ, बच्चा चोर को मूर्ख बनाने के लिए हमने भास्कर को तकिए की खोली में और तकिए को भास्कर के पालने में डाल दिया। हेमा, मेरा भास्कर तो बच्चा चोर से फिर भी बच जाएगा, किंतु इन दोनों से इसकी रक्षा कौन करेगा? आप समझे मेरे बाबू, प्रतिदिन कैसे झेलता हूँ मैं इन दोनों को। चलो, मेरी पीड़ा का अनुभव तो हुआ बापू को। आज्ञा हो तो हम कुछ बोले? कहिए, आप भी कह लीजिए, आप ही शेष बचे हैं, कहिए। आपको स्मरण करा रहा हूँ कि महाराज ने आपको दरबार में तत्काल उपस्थित होने का आदेश दिया है। विपदा आन पड़ी है, विजयनगर के बच्चे चोरी हो गए हैं, बहुत संकट की घड़ी है। आपकी आवश्यकता है विजयनगर को, शीघ्र चलिए बिना समय व्यर्थ किए। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? बोल ही तो रहे थे हम, पर आप इतने क्रोधित थे कि मुझे बोलने का कोई अवसर ही नहीं दिया आपने। चलिए 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 चलिए। महाराज, विजयनगर की प्रजा अत्यंत ही चिंतित है। महाराज, समस्या गंभीर होती जा रही है। जी महाराज, परिस्थितियां बहुत ही बिगड़ती जा रही है महाराज। बच्चे चोरी के और मामले सामने आ रहे हैं महाराज, लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा है। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुवर। ये तो अत्यंत दुखद है। भेस बदल कर ऐसा करना, ये तो अपराध है। इन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि हम भेष बदल कर वहां गए थे? अपराध नहीं महाराज, पाप है, पाप। ओ, अवश्य इसी ने बताया होगा। बोलिए गुरुवर, आप चुप क्यों हैं? ये पाप नहीं तो और क्या है? पाप नहीं, पाप नहीं, पाप कैसे हो सकता है ये महाराज? बच्चा चोर रात के साए में बच्चे चुरा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये पाप नहीं है। पाप नहीं है महाराज, ये तो घोर पाप है महाराज, घोर पाप। और उस बच्चा चोर को इसका दंड अवश्य मिलेगा, मिलकर रहना चाहिए, अवश्य मिलेगा ही। हम तो उसे रंगे हाथों पकड़कर वहीं पर भस्म कर देते यदि हम मंदिर में व्यस्त ना होते तो। मंदिर में? अर्थात मंदिर में वो बहरूपिया बच्चा चोर नहीं था, आप थे। मंदिर? किस मंदिर की बात कर रहे हैं आप? हम तो अपने घर के मंदिर में थे, श्रद्धा से देवी माँ के ध्यान में बैठे थे। गुरुवर, शिव आराधना छोड़कर देवी आराधना कब से करने लगे आप? तो क्या हुआ पंडित रामाकृष्णा, कभी कभी दिनचर्या बदलनी चाहिए। हाँ,
अवश्य। और दिनचर्या के साथ साथ आपने अपने कानों के कुंडल भी झुमके से बदल दिए। बाली बदल दी, झुमका पहन लिया। ओहो, महाराज का संदेश मिलते ही जल्दी जल्दी में हम बाली के स्थान पर वरुण माला का झुमका पहनाए। उतार दें। गुरुवर पंडित रामकृष्ण, यहाँ बच्चे चोरी हो रहे हैं और आप दोनों झुमके और बाली के विवाद में लगे हुए हैं। जाइए और उस बच्चा चोर को ढूंढिए। प्रातःकाल से पूर्व हमें वो बच्चा चोर कारागार में बंद चाहिए। परंतु महाराज हम ये किंतु परंतु नहीं महामंत्री जी, परिणाम चाहिए हमें। आप जाइए कोतवाल के साथ और उस प्रत्येक घर के बाहर जहां बच्चे हैं सुरक्षा बढ़ा दी जाए। मेरे घर की भी, मेरे घर की भी। पंडित रामकृष्ण आप चिंता मत कीजिए, हम आए ना। आप हैं उसी बात का तो भय है। पंडित रामकृष्ण महाराज, आप चोर को पकड़ने की चिंता कीजिए, भास्कर हमारा दायित्व है। हमारे रहते हुए भास्कर को वो चोर हाथ भी नहीं लगा पाएगा। भजन के दिन तो उन दोनों महिलाओं के आने जाने के कारण बच गया था। तो चलो चलो चलो। अमन किससे टकराए? मुझसे और किससे? अच्छा आपसे टकराए थे क्या? आज भी बच जाएगा? इस धुएं से कोई नहीं बचता, सब मूर्छित हो जाएंगे। ये तुमने सही नहीं किया रामा। तुमने, तुम्हारे परिवार ने हमें मूर्ख बनाया। हमें इस दुनिया की सबसे बड़ी चोर को ये तो सीधी चुनौती है। अब तो तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे तुमने उसे कहीं पे भी छुपाया हो। वो तो महाराज ने हमें महल में बुला लिया, अन्यथा मेरे लिए शक्तिशाली बुझाए मेरे भतीजे की सुरक्षा कर ही लेती। पहले अपने शरीर का बोझ तो ठीक से उठा ले, बड़ा आया मेरी सुरक्षा करने वाला। अगर हम यहाँ नहीं आते ना तो मैं उस चोर को पकड़ भी लेता। चाचू चोर पकड़ना था, चूहा नहीं। वो कैसे? मैंने घर के हर स्थान पर चूहे पकड़ने वाले जाल बिछा दिए थे। चोर आता तो उसका पैर जाल में फंस जाता तो चिल्लाता तो हम उसको तुरंत पकड़ लेते। क्या बात है, आपने सिद्ध कर दिया कि आप मेरे चाचा हैं घंटे कुमार। घंटी बजने लगी है घंटे कुमार के मस्तिष्क की। बस ईश्वर से मिली एक ही प्रार्थना है कि वो चोर आए और उसका पैर मेरे जाल में फंस जाए। Oh!
ईश्वर, लगता है उस चोर की दृष्टि अब मेरे भास्कर पर है। महाराज ने भास्कर को महल बुलाकर बिल्कुल उचित किया। किंतु अब वो चोर मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगा। कोई ना कोई साक्ष्य तो अवश्य ही छोड़ा होगा उसने। ये अवश्य गुंडप्पे का काम होगा। अम्मा और शारदा का दिमाग तो केवल चुगलखोरी में ही चलता है। डर मत, केवल चोर है, हिम्मत रख, तुझे उस चोर को पकड़ना ही होगा, समझा? हाँ, मैं चोर को अवश्य पकड़ूंगा, कैसे पकड़ूंगा? अधिक चतुराई मत दिखाना, मैं मात्र दिखने में भोला भाला सा हूं और पंडित हूं, किंतु मेरा प्रशिक्षण शक्तिशाली योद्धाओं की तरह हुआ है। चतुर से चतुर चोर भी मुझसे नहीं टकरा सकता। महल की जानकार, अर्थात कोई जानवर या आदमखोर नहीं है, ये तो महिला है। मुझे अधिक सावधानी बरतनी होगी। देखो, तुम मेरी नरमी का लाभ मत उठाओ। तुम जो कोई भी हो, मेरे हाथों से बच नहीं पाओगी, मैं बता रहा हूं। हाँ, रक्षा करना। ये तो कोई स्त्री ही है, पर इसे कहीं तो देखा है मैंने। कहां देखा है? जो भी है बहुत चतुर प्रतीत होती है, कहीं ये भास्कर को चुराने ना पहुंच जाए। मुझे भास्कर की सुरक्षा के लिए उसके पास जाना होगा। पुनः बच गया तेरा बच्चा रामा, लेकिन कल नहीं बचेगा। चाहे उसके लिए मुझे महल क्यों ना जाना पड़े, मैं उसे चुराऊंगी।